मध्य प्रदेश के सोनकच के पास मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें देवी प्रतिमा विसर्जित करने गए 10 से 12 साल के 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। हादसा सोनकच से 7 किलोमीटर दूर गंधर्वपुरी मार्ग पर स्थित खजूरिया कनका की तैलिया में हुआ। घटना की सूचना मिलते ही परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। बताते हैं कि करीब 1:30 बजे गांव के तैलिया पर पहुंचे थे। विसर्जन के दौरान 5 बच्चे गहरे पानी में चले गए। डूबने से 5 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये सभी खोड़ा खजूरिया के रहने वाले थे। हादसे के बाद गांव में मातम छा गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोपाल में 11 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। तत्पश्चात शासन ने प्रतिमा विसर्जन को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश सभी जिलों के SP कलेक्टर को दिए गए थे। इसके बावजूद भी यह हादसा घटित हो गया। डूबने से बच्चों के परिवार के साथ शहर के साथ हमारे साथ मिलाए हैं। हम स्पॉट पे भी जा रहे हैं और उसकी लाइफ इसकी क्या वजह है सर। जैसे अवैध उत्खनन का मामला सामने आ रहा है कि कुछ लोगों ने अवैध उत्खनन करा था, उसी वजह से ये बड़ा गड्ढा हो गया था और बच्ची की मौत हो गई, क्या उन लोगों पे कोई कार्रवाई होगी? हम मौके पर जा रहे हैं और देखेंगे अगर ऐसा मामला पाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई। सर जैसे आज शाम विसर्जन होना, उसको लेकर भी कोई व्यवस्था है? और सर ये प्रशासन के अंदर बच्चों को आर्थिक मदद दी जाएगी सर? कुछ सर ये अस्पताल में कोई व्यवस्था भी हो? JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।